आता होगा। इस भाव से मैंने इस पर बात नहीं की है। देखो, घी बनाने की जो वैदिक कला है और उस कला के आधार पर अगर आप घी बनाती हैं, तभी वह घी अमृत के रूप में होता है और दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसमें घी नहीं खाई जा सकती है। सभी बीमारियों की उत्तम औषध घी है, अगर वो वैदिक प्रक्रिया से यानी पुरानी प्रक्रिया से बनाई जाए। तो घी बनाने के लिए सबसे जो पहला विषय है कि गाय शुद्ध भारतीय नस्ल की होनी चाहिए। नंबर दो कि गाय का दूध कभी भी सूरज उगने से पहले का निकाला हुआ होना चाहिए। अगर शाम में दूध निकालते हो तो सूरज ढलने के बाद का दूध हो, यानी सूरज की उपस्थिति में निकला हुआ गाय का दूध आपको घी बनाने के काम में बिल्कुल नहीं आएगा। और ऐसी गाय का दूध उसी गाय के गोबर के कंडे पे गर्म किया हुआ हो, उसी मतलब समूह का भी हो सकता है। जैसे एक जगह 10 गाय है तो उस 10 गाय के गोबर पर उन्हीं गायों के दूध को गर्म करें। दूध को गर्म करने में दूसरा ईंधन काम में ना ले। और ऐसा दूध रात्रि का जो पहला प्रहर होता है यानी रात्रि 9 बजे तक के अंदर वो गर्म किया हुआ हो, और रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक उसमें जामन डाला गया हुआ हो, और सूरज उगने के 2.5 घंटा पहले से लेकर सूरज उगने के समय तक उसमें मंथन की क्रिया हो, और मंथन में भाव रहे कि जिससे मंथन हो रहा है वो बिल्कुल मेरु की तरह, पत्थर की तरह कड़ी लकड़ी हो, ठोस लकड़ी हो, और उसमें घुमाने की क्रिया जैसे पृथ्वी घूमती है उस दिशा में एक बार और फिर उसके उल्टे दिशा में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में, दोनों दिशाओं से मंथन की क्रिया हो। और ऐसी क्रिया से जो मक्खन निकल गया, इस मक्खन को सूरज उगने के 2.5 घंटे के अंदर अगर आपने अग्नि पर तपा दिया तो उसमें से जो तरल बनता है वो शुद्ध घी होता है, और यही घी अमृत है।